नमस्ते मित्रों, आज योग दिन के अवसर पर आप सभी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमारे दत्त मंदिर के लिए आपने जो उपस्थिति दर्ज की उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मित्रों, आज का हमारा जो मुख्य विषय है योग दिन। योग का ये जो कमर्शियल वर्ड है, इन्होंने योग की जो क्लियर डेफिनेशन क्या है, इसमें तीन बातें हैं। योग है, योगासन है, ये दोनों अलग है, और प्राणायाम और विहार और आहार, ये चार पांच बातें में संक्षिप्त में हम एक्टिविटी भी करेंगे। और मेरा प्रयास आपको है, आपने जो मुझे एक घंटा दिया है, आज मैं 20 साल से योगा से कनेक्टेड हूँ, मगर उसमें एक बात मुझे हमेशा खटकती है कि सातत्यपूर्ण इंसान कर नहीं रहा। उसके लिए आप सहजता से योग कैसे करें, कम से कम 10 से 15 मिनट में आप आपके बॉडी को रिजुनेट कैसे करें, उसकी कुछ टेक्निक्स आज मैं देके जाऊंगा। योग बहुत बड़ा विषय, एक घंटे में मैं आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा, मगर आज मेरे जो रिसर्च के टेक्निक है, जो यस पैसा यूनिवर्सिटी के रिसर्च होते रहते हैं और वो अपडेट करते रहते हैं, वही चीज खास तौर पर मैं करूँगा। और मेरा विश्वास है, सिर्फ आप शरीर के लिए एक 10 मिनट, प्राण के लिए 10 मिनट और विहार के लिए 40 मिनट ये लाइफ में निकालते हैं, तो मेरा विश्वास है कि कभी शरीर को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि मानव देह क्या है, ये कॉम्बिनेशन, शरीर प्राण मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन। जस्ट हमें ये चारों आयाम को संक्षिप्त में समझेंगे तो हमको इसका अर्थ समझेगा, और ये चारों चीजों का हम यदि संतुलन कर सके तो डेफिनेटली हमारा जीवन बदलता है। और ये बदलता है, बोलूंगा नहीं, हजारों लोगों को बदला है, मैंने खुद भी मेरे में परिवर्तन किया है, इससे मेरा विश्वास दूर है। तो मित्रों, पहली बात हम एक समझना चाहते हैं संक्षिप्त में, योग, योग ये शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द से आया है, यूज शब्द से आया है। योग का अर्थ है जोड़ना। क्या जोड़ना, यही लोग अभी तक समझ नहीं पाए किससे क्या जोड़ना है। तो बस जोड़ना यही है, जो हमारा मानव देह है, ये जो है शरीर प्राण मन और आत्मा, एक चार आयामों से बना हुआ है, इसकी कॉम्बिनेशन होना, इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। मित्रों, शरीर जो आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर की भाषा में समझाने जाओ, एक हार्डवेयर है, मन है ये सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन। तो इसके बीच में जो काम कर रहा है मेन हमारा प्राण, जो आप श्वास ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये ब्रिज है शरीर और मन के बीच। जैसे ये ब्रिज गिर जाता है शरीर खत्म हो जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट प्राण। तो इसके महत्व यदि मैं आज आपके आपके दिल तक पहुंचा सकूं तो मेरा दिन सार्थक हो जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, पहला तो एक सत्य को समझना है, हमें क्यों करना है, बाकी प्राणी में कर नहीं रहे, मानव को क्यों जरूरत है। बाकी प्रकृति ने अभी अपने इसके 84 लाख दुनिया है अलग अलग, उनको जरूरत नहीं, मानव को जरूरत है। इसका एक ही कारण है, मानव ज्यादा बुद्धिजीवी और उसने अपने बुद्धि से बहुत सारी खोजें की और कंफर्ट जोन में जाते जाते इतना प्रयास किया है कि, और उसका बिलीव सिस्टम खुद के ऊपर है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैं के कारण है ना हमारे में असहजता आई है। और असहजता ही सभी चीजों का कारण है। अभी प्राणी मात्र प्रकृति का मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भी मेरा कुछ नहीं है, मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, योग प्रकृति और परमात्मा सत्य, इसके ऊपर ही मैं आपसे बात करूंगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्रकृति को समझेंगे तो सब कुछ मालूम हो जाता है, सिंपल प्रकृति से जैसे जैसे जुड़ जाता है तो वैसे वैसे अपने जीवन में बदलाव आता है। तो योग का जो मूल अर्थ है जोड़ना, तो शरीर को प्राण से जोड़ना। तो ये शरीर प्राण से क्यों नहीं जुड़ पा रहा, हो रहा है क्या, असहज जीवन के कारण, तनाव के कारण हमारी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट से ही चल रही है।
छाती से ही चल रही है उसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। और इस शैलो ब्रीदिंग के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो हमारे शरीर में आपको पता है बहुत से अभ्यास लोग हैं पंच प्राण है। जो पंच प्राण है, पंच प्राण में पहला प्राण है जो हमारा हृदय से लेके अपना सर तक के सारा सेक्शन संभालता है। हर एक जैसा जैसे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक एक को जिम्मेदारी दी जाती है वैसी ये प्राण को जिम्मेदारी दी है। दूसरा समान है वो मध्य भाग में है। समान का कार्य आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना। अपान अपान जो वायु है अपान जो प्राण है उसका कारण है आपका जो मतलब जो हमारा जनेन्द्रिय और गुदा मतलब जो बाहर फेंकने का काम है वो कार्य है। व्यान व्यान का जो कार्य है वो आपकी जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसमें वो एक्टिवेट रहता है। और उदान का काम है कि जो शरीर के ऊपर जो बहता है मतलब जैसे कि हमारी ओमेटिंग होना छींक आना ये जो कार्य है ये उदान के अंदर आता है। और उदान को कहा जाता है उदान ये एक सूक्ष्मिना नाड़ी हमारे देह में तीन नाड़ियाँ हैं। एक तो जो हमारी लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी है राइट में जो है वो सूर्य नाड़ी है और जो बीच से प्रवाह चलता है वो सुषुम्ना नाड़ी है। होता क्या है कि एवरी 40 मिनट्स के बाद हमारे जो नोस्ट्रल से चेंज होना चाहिए मगर कुछ कारणवश या हमारी अवस्थाता के कारण वो होता नहीं। उसके लिए शरीर में सूर्य नाड़ी मतलब उष्ण निर्माण है। जब आपका ब्रीथ जब आपका नोस्ट्रल राइट साइड से चल रहा है समझना आपके शरीर में उष्मा उष्णता निर्माण हो रही है। और जब आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गया ये थंड नाड़ी होती है ये इसका जो संतुलन है और प्रकृति ने वाटर सिस्टम बनाई हुई है हमारे शरीर में पर अस्वस्थता के कारण होता नहीं। उसके लिए कभी किसको एसिडिटी किसी को सर्दी ये जो भाव है ये इसके अंदर ये सब छुपा हुआ है रहस्य। ये छोटे छोटे रहस्य एक बार हमें समझ में आए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं इसमें बहुत आसान है बस। और उसके लिए हमारा जो पर्पज है कि ये चीज को समझ कर उसको बेसिक लेवल पे कंट्रोल करना। तो हमारा योग की जो व्याख्या है पतंजलि मुनि ने जो योग की व्याख्या की है वो है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का मतलब है चेतना मतलब उसको मन कहते हैं। वृत्ति मतलब चढ़ाव उतार और तीसरा है निरोध मतलब शांत करना। संक्षिप्त में मन को चढ़ाव उतार से शांति देना यही योग है। योग की हमने व्याख्या की कैसे हाथ पांव उलाने से योग होगा नहीं हाँ फिर उसके लिए मतलब योग प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं करनी है। देखिए आपका जो मन है मन ये श्वास के सिवा दूसरे किसी के ऊपर टिक नहीं सकता। ब्रिज जो है हमारा जो ब्रिजिंग है मतलब मन सिर्फ हमारा उसके ऊपर ही होगा क्योंकि वो ब्रिज है वही दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं सकता। तो इसको बैलेंस करना देखो संतुलन ही सब कुछ है। संतुलन और स्वस्थता ये दो शब्द एक बार हमें डेफिनेट में आ गए। तो शरीर प्रमाण जो बनाया है प्रकृति ने वो विमान बनने के लिए बना है। ये हमारे असंतुलन के कारण हो रहा है। पहला असंतुलन है हमारा ब्रीदिंग का सूर्य नाड़ी को जल्दी चंद्र नाड़ी इसका रेशो बढ़ गया एसिड बढ़ेगा हीट बढ़ेगी बॉडी में असंतुलन हो जाएगा क्योंकि तो चंद्र नाड़ी का ज्यादा है तो छाती के ऊपर जितनी भी बीमारी हो चंद्र नाड़ी के कारण होगी। तो ये सत्य को समझ कर उसको आज मेरा प्रयास है मेरे पास सिर्फ आपका एक एक घंटा है मुझे कुछ समझाना नहीं अच्छा कुछ सत्य में समझाऊंगा नहीं तो आपको कर नहीं पाऊंगा उसके लिए मुझे थोड़ा बोलना भी पड़ेगा। तो ये करने के लिए हमें प्राण मतलब प्राणायाम की पहली जरूरत है। पहला प्रायोरिटी हम प्राणायाम क्यों देते हैं देखो ये जो नाम अभी जो आपकी श्वास चल रही है वो छाती से चल रही है और मन और श्वास का गहरा संबंध है। जितना आपका श्वास फास्ट चलेगा उतने विचारों की संख्या माइंड में बहुत बड़े पैमाने पर और जैसे ही एक विचारों की संख्या दिमाग में ज्यादा फैल जाती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कोई भी योग्य निर्णय नहीं ले सकता गलत से कुछ नहीं। तो फिर अभी मन तो ऐसा है उसके नाम में नहीं लगेंगे तो अच्छा है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और प्रचंड ताकतवर है उसको तो छूना भी नहीं उसके नजदीक भी जाना।
करना क्या है, श्वासों के माध्यम से मन को प्रबंधित करना है हमारी टेक्निक जो है श्वास अध्यात्म में ध्यान धारणा मेडिटेशन आप कुछ भी करो मन उस समय के लिए शांत हो सकता है और ब्रह्मानंद की वो शांत नहीं तो उसका गुण ही नहीं है उसका गुण ही नहीं है। जैसे आपने बहुत अच्छे मेडिटेशन करके एक स्थिति पैदा हो जाती है ये नहीं कह रहा हूँ फायदा है सब चीज़ों का मगर होता क्या है कि उस परमानेंट स्वरूप से नहीं रहता है। जैसे ही आपकी अंदर की हलचल मतलब अंदर कोई तुम्हारे जीवन में इंसिडेंट होता है या बाह्य इंसिडेंट होता है तो आप वापस आप डिस्टर्ब होते हैं ये परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट मार्ग क्या है इसके मामले में भी हम आगे बात करें। तो ये जो मन है ये सब कुछ है देखो ध्यान रखना मन ये शरीर का ड्राइवर है और यदि आप मन आपका एक बस स्थिर हो गया अच्छा हो गया तो आपका जीवन ऑटोमेटिक उत्कर्ष की तरफ आ रहा है। मगर मन आज आप मानो नहीं मानो हम सब मन के गुलाम 100% हमको सब पता है सही क्या है नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ एक छोटा इंसान हूँ मगर जो भी बोल रहा हूँ उसमें ये लगता है आपको तो आप होने के बाद भी हम स्वयं को भी नहीं इतनी मजबूरी हमारी और इसके पीछे एक ही कारण है जो है मन और मन से लड़ा नहीं जा सकता है। मैं तो कभी भी कहता नहीं हूँ मन से लड़ोगे तो वो इतना संघर्ष करेगा दुनिया में इतनी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये मन से लड़ने वालों को जाना है क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते हो क्योंकि अभी मेरे कुछ स्टेटमेंट्स हैं शायद आप मानते ही नहीं मानते। देखो हमारे लाखों जन्म हैं और जब भी हमारा जन्म होता है प्रकृति अपना प्रभाव अपने जीवन का प्रभाव फिक्स कर लेती है आप उसके बाहर जाते हो और प्रकृति और मन एक दूसरे को सपोर्ट करके वो दिशा में आपको लेके जाते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बनने हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता तो प्रकृति बराबर आपको वही विचार देगी आपको एडमिशन देंगे और आप डॉक्टर और यदि समझ मैंने चाहता मैं कितना भी संघर्ष करूं नहीं। आज IAS परीक्षा को हर साल 10 लाख लोग बैठते हैं उसमें से 1000 वैकेंसी होती है सबके मेहनत बराबर ऐसा नहीं है सब लोग जान तो लगे मगर होता 1000 का ये 9,99,000 तो ये जो है ये हमारा प्राकृतिक प्रभाव है। ये पहला जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आपको स्थिरता नहीं है। एक तो आप दुनिया को बोल देते रहेंगे तो मैं ऐसा हूँ ऐसा आप नहीं है आप जैसे है बहुत अच्छे हैं प्रकृति ने वो प्रभाव में आपको डाला है जस्ट स्वीकार करो और प्रकृति के साथ आगे बढ़ो जीवन का संघर्ष कम करो विरुद्ध दिशा में जाने का जिसने जिसने प्रयास किया है प्रकृति ने उसको खत्म कर दिया और प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है वो समानता में चलती है। वो कहीं बोलती नहीं यार प्रकृति का मेरे मैं जरा प्रकृति के बारे में अच्छा हूँ तो मेरे मुंह में नहीं वो समानता में चलती हर एक के साथ एक ही जस्टिस है वो राजा हो रंग हो उसका दंड है आप प्रकृति के नियम तोड़ोगे दंड होगा। ठीक है तो 5-10 मिनट के बाद कुछ अभी हम मतलब शुद्धि की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्रिया आपको अभी हम करेंगे आपको उसके लिए थोड़ा खड़ा होना तो नसों की तकलीफ हो जाएगी ये इतना हम जानते हैं उसकी दवा आप लोग देते हैं सिर्फ इससे क्या हो सकता है वो तो ये जो बातें हैं उसके लिए सफिशियंटली शरीर को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है और ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलने का जो पर्पज है वो प्राणायाम के दो उद्देश्य मैक्सिमम शरीर योग और प्राणायाम के दो उद्देश्य शरीर में मैक्सिमम क्योंकि ये सारी क्रिया हम श्वास के साथ ही करते हैं श्वास फांस लेते छोड़ते तब तक ये करना है। इसका रूल है कि आप सब आग बंद के काम करेंगे क्योंकि आग बंद करके ही हम योगा के प्रोसीजर आपको सिखाते हैं। इसका मतलब है नाक से बहुत कुछ निकलता है एक रुमाल बाजू में रखना है ताकि दूसरे को दिखे भी नहीं और हम अपना साफ कर सकें ये भी हमारा आग बंद करने का एक उद्देश्य है ताकि वो पहली बात तो हम अपने से खुद से डरते नहीं बाजू में देख शुरू करें चलो स्टार्ट जंपिंग का बात गुड
जब तक थकान नहीं आती है तब तक करना है, उसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से रुक जाना है, संपत्ति नहीं है, दूसरों का अनुकरण नहीं करना है, आपकी क्षमता के आखे बंद। मिश्रो, इसके माध्यम से हमने शरीर में एक स्टिमुलेशन पैदा किया, और योग का एक प्रिंसिपल आज सीख के जाइए, योग और कुछ नहीं है, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, बस ये हम लगातार करते रहे तो वो योग हो जाता है, मगर स्टिमुलेशन के बाद रिलैक्सेशन नहीं करते वो भी अपराध है। तो इसके बाद जब हमारे शरीर में एक स्टिमुलेशन होता है तो उसके लिए हमारी एक क्रिया है जिससे मुखोद्धृति कहते हैं, जिससे इमीडिएट आपको रिलैक्सेशन हो जाती है। दोनों कमर पे हाथ रखना है, समझ लीजिए। हमें करना क्या है कि जो नाक से श्वास भरते हुए हमको पीछे जाना है और मुंह से श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। जैसे कि देखिए, ऐसा हमें कहा तो श्वास भरे साथ छोड़े, 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 आंखें बंद रिलैक्स हो, आंखें बंद रिलैक्स हो, पूरा ध्यान हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। बल है योग का जो सेकंड प्रिंसिपल है, कोई भी क्रिया यहाँ जल्दबाजी का हिसाब नहीं है, यहाँ जल्दबाजी का हिसाब नहीं है, जब तक आपकी प्राकृतिक श्वास नहीं आती है सेकंड क्रिया पे जाना नहीं। देखो, हम व्यायामशाला में नहीं है, हमको मतलब पसीना पसीना हमें निकालना है, तो जैसे ही हमारा प्राकृतिक श्वास आया फिर दूसरे सेशन के लिए हम जाते हैं। बैठ लीजिए, थोड़ा सा बैठ लीजिए। देखिए, सिंपल रूल को ध्यान रखना है, स्टिमुलेशन रिलैक्स, रात भर आप शरीर आपका टोटली रिलैक्स है, अगर उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए स्टिमुलेट करना पूरी एनर्जी ऊर्जा। देखो, ये मैं इस चीज का क्लेम नहीं कर सकता, मगर ये अनुभव बता रहा हूं, आप करो, एक 21 दिन करने के बाद आपका जीवन थोड़ा बदलाव आपको स्वयं ही समझ। हाँ, एक दिन में नहीं, आज क्या दे रहा, आज कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिस्टम। तो ये जो मार्ग है, इसका जो पर्पस है हमारा, पहली हमारी नोस्ट्रल वे की शुद्धि है, उसके लिए हमारे और भी सारी शुद्धि क्रिया है। हमारा जो काम है, आप डॉक्टर सुनील करना, आपको हमारा काम इतना ही है, सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमने आंतरिक शुद्धि के लिए, अभी ये जो मैंने कराया आंतरिक शुद्धि की ही क्रिया, जितना आपका अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आप बीमार को ही मिलो। सारा कारण अंदर, मतलब हमारा जो योग और प्रकृति का शास्त्र कहता है, सभी रोगों का एक ही कारण है, आंतरिक मनोसंचार। ये हमारी धारणा भी हो सकता है, आप लोगों की बहुत कुछ चलता है, क्या अलग हो सकती है, हमारी प्राकृतिक व्याख्या यही है, सभी रोगों का एक ही कारण है आंतरिक मनोसंचार। तो पहला काम हम यही करते हैं कि मन संचय, जो अंदर का बॉडी तब तक डिटॉक्स नहीं होता है, जीवन में बदलाव नहीं। तो ये तो इस तरह से हमको, और मैं अभी आज एक घंटे के अंदर ऐसी छोटी छोटी क्रिया, आपको बहुत बड़े क्रिया तो बहुत है, यूट्यूब में देख के भी आप सीख सकते हैं, और कभी आपको पुरुषों से 4 घंटे से जब भी लगता है, मैं तो यही कार्य में मुझे आनंद है, तो आप कभी भी लगता है नहीं सर वो शॉर्ट हो गया, मेरे को और सीखना है, तो हमारे पास ये अनलिमिटेड है, आप चाहेंगे आप मुझे बोलेंगे मुझे 2 घंटा योगा सीख करना है तो मैं दे सकता हूँ। मगर क्या होता है, सीखना एक ज्ञान। इसके बाद ये जो हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियाँ हैं, ये जो ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज, ये सारे जो कारण है, उसके लिए हमारे रिसर्च टीम ने एक क्रिया डेवलप की है जिसको फ्लाइंग भस्तिका नाम दिया, फ्लाइंग ब्रेसमेंट नाम दिया। तो क्या होता है, जब हम तेजी से श्वास छोड़ते हैं लेते हैं, छोड़ते हैं लेते हैं, छोड़ते हैं लेते हैं, तो ये पूरी नाड़ी का सर्कुलेशन है वो बहुत स्पीड लिमिट है ब्लड का, और ब्लड का सर्कुलेशन फिर उसके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं छोटे मोटे, ये हमारे और तुम्हारा विश्वास है, अभी आपका क्या है मुझे पता नहीं, जो मैं है बोलता हूँ,
तो वो नालियों का जो कचरा, देखिए सिंपल चीज है, कोई पाइपलाइन में फोर्सफुली पानी डाले तो बीच का कचरा वो निकल के बाहर आएगा, बस यही प्रॉब्लम है। और बहुत बड़ी इंजीनियरिंग इसके अंदर है। तो ये जो क्रिया है फ्लाइंग बस्ती का, ये आज हम अभी समझेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ टेक्निक डेवलप किया कि इजीली, क्योंकि मैं कुछ योगा जारी होने के बाद भी मुझे भी अफसोस होता है कि यदि मुझे पूछा जाए कि भाई तुम डेली कितना घंटा योगा करते हो, मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% 25% लोगों को सिखाते हो जाए। मन एक प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि जब आपने कर्मकांड कर दिया उसका तो आप मन डरते हैं, नहीं बाबा एक घंटा नहीं, मेरे को टाइम नहीं, कल करूंगा, अब कल कभी आता, कल कभी नहीं आता। उसके लिए सुबह उठे, 2-3 घंटा अपने गैलरी में गए, ये किया, हो जाता है इफेक्ट। तो लेट अस सेकंड बृहस्पति का ये टेक्निक को सीखी, उसके लिए पूरा खड़ा रहना पड़ेगा। होता है आपने कभी, अभी न्यू जनरेशन हो गया नहीं, मगर एक हमारे लोहार होते थे, उनके बाद भाता होता है, मतलब उसमें हवा भरी जाती है, छोड़ी जाती है, और फिर वो जो हवा के कारण पूरा वो सामने कोयला रखते हैं और पूरा लोखंड जाता है ना, यही कंसेप्ट इसके अंदर है। उसके लिए भाता करके बस्ती का ये नाम दिया गया। आपने बचपन में यदि आपके पास साइकिल हो तो आपने हवा भरी होगी ना, बस मतलब जब हम ये नीचे करते, जब एक पंप ऊपर उठते तो श्वास को तेजी से लेना और तेजी से छोड़ना है, तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना है। आर यू क्लियर? एनीबडी एनी डाउट? आर यू क्लियर? बस हमने देखे, जब हमने इस स्थिति में आए, जैसे हमारे पंख ऊपर आते हैं तो हवा भी ऊपर आने लगा। तो शुरू करेंगे ये क्रिया को, शुरू करें ब्रस्त लाइन ब्रस्ती का। श्वास अंदर भी आता नहीं, बाहर भी जाता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, और उस टाइम मन एकदम निर्विचार होता है। इसी को मेडिटेटिव स्टेज बोलते हैं, इसी को मेडिटेटिव स्टेज बोलते हैं। तो बस इसके बाद भी जो भी आपके बॉडी में स्टिमुलेशन हुआ है वो रिलैक्सेशन ही, तो इसके बाद भी हमें मुख धोती करें, ठीक है, कमर के दोनों हाथे श्वास भरे, पूरी तरह से पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। रिलैक्स, पूरे शरीर को हमें लूज छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग आने तक हमें पूरा ध्यान श्वास पर रखना है। पूरी तरह से महसूस करना है आपका मन शांत होते जा रहा है। एक बार बैठे
योगा में मजा है इसमें क्या ज्यादा थकावट होकर घर पे जाते हो तो आपने योग नहीं किया तो सब कुछ करके आए तो आपको कुछ लग रहा है भाई प्रॉपरली कुछ देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं सिर्फ बेल्ट आपको प्राणायाम नहीं कर रहे हम लोग आपको योग और उसका कॉम्बिनेशन हमने कर दिया है जब आप फोल्ड करते हैं उतनी एक्सरसाइज हो रही है आपकी हमने यहाँ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करवा ली है और साथ में भस्त्रिका भी करवा ली तो हमें एक ही हमको ध्यान रखना है समय और शक्ति बहुत ज़रूरी है उसका जो अच्छी तरह से उपयोग करें जो करना है उसको करना ही पड़ेगा प्राणायाम का प्रथम समझिए पर्पज क्या है प्राणायाम का पर्पज यही है हमारे पास नाभि से चले और कोई उद्देश्य नहीं था उसके बाद प्राणायाम की जरूरत जैसे ही आपके शरीर की श्वास नाभि से चलनी हो जाएगी आप में शारीरिक स्वस्थता शारीरिक स्वस्थता एक इतनी महत्वपूर्ण है अभी स्वस्थता का जहाँ तक विषय है अभी आप एक बच्चा स्वयं बच्चे का ऑब्जर्वेशन हो उसकी जो श्वास है ना नाभि से चलती है वो पूरा पेट उसका ऊपर नीचे ऊपर नीचे बच्चा कितना सहज होता है उसको फिक्र नहीं है कल मुझे क्या करना है 10 मिनट के बाद क्या करना है कुछ अरेंजमेंट मतलब स्वस्थता अल्टीमेटली ये अभी मुझे मेरा मैं हमेशा अंतिम सत्य पहुंचता हूँ क्योंकि मुझे आपकी क्लास लेनी नहीं है 2003 लेके आपको हरदम बुलाना नहीं मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ उसके लिए मैं जो भी दूंगा वो अंतिम सत्य दूंगा क्योंकि अंतिम सत्य देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है फिर मेरी दुकान चलेगी नहीं फिर यदि मैं अंतिम सत्य दे दूँ तो मेरी दुकान चलेगी नहीं और मुझे मेरी दुकान चलानी नहीं आपको मैं क्लियर करता हूँ मुझे मेरी दुकान चलानी नहीं वो बंद करनी है जो नया आता है उसको सिखाता हूँ बस ये हमारा पर्पज है तो ये दो जो एक्सरसाइज है बहुत और तीसरी एक टेक्निक्स मैं आपको मेरे पास एक दो लोग ले लीजिए एक रूम में एक ले लीजिए ताकि मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको एक रूम में पास चाहिए मेरे पास जो भी क्रिया है आप बोलेंगे यार इतना सिंपल है और सही में जीवन ही सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो हमने बनाया हमने बनाया वो विपरीत मतलब सर के ऊपर कढ़ा हुआ है जरूरी नहीं है बाबा हाँ आपको बहुत योगी बनना है तो वो भी करा सकते हो वो जरूरी नहीं है जरूरी उतना तो गलत है तो अभी देखिए ये जो आप डंडा देख रहे हैं इसको योग बोल देते हैं योग बोल इसकी विशेषता यही है वो सीधा होना चाहिए तकनीक होना चाहिए बस इसमें और कोई विशेषता नहीं तो ये हम लोग ये लोगों को इसके लिए देते हैं जो भी तुम्हारे अंदर जो नसों में ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज का रहस्य क्या है अभी ब्लॉकेज का तो रहस्य अभी आप डॉक्टर लोगों के पास सामने समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता है 70% तक तो कुछ होता नहीं मालूम ही नहीं पड़ता मुझे ब्लॉकेज है और हर एक के अंदर 50-60 का ब्लॉकेज होती है क्योंकि जो हमारी खान पान है उसका सिस्टम ही ऐसे ब्लॉकेज हुआ और प्रकृति रचना ऐसी की है कि वो कुछ होने नहीं देती 60-70 लोगों को मालूम है ये आदमी कुछ कुछ खाएगा ये होगा 80% तक भी आप स्टे कर सकते 85-90 के बाद थोड़ा महसूस होना शुरू हो जाता है और 90 के बाद फिर अपने आप लोगों की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और आदमी इंसान मतलब हम लोग मानव जाति इतनी आलसी है जब तक मुसीबत आती नहीं ना अंतिम क्षण तक तब तक हाथ पांव हिलाए नहीं और फिर अंतिम क्षण में डॉक्टर पहले कुछ नहीं करेगा और एक आप लोगों को वरदान है उसके लिए मैं तो हर एक मीटिंग में बोलता हूँ ये डॉक्टर है करके तुम्हारी लाइफ है आज जो लाइफ स्पैन बढ़ा है वो तुम लोगों की वजह से बढ़ा है नहीं तो 80 तक कोई पहुंच नहीं पाता वो कम से कम नियंत्रण में सारी चीजें ला रहे नहीं तो ये बहुत बड़ा तो ये जो योग बोल की टेक्निक है कि योग बोल को हमको इस तरह से लगाना है इस तरह से लगाना है ध्यान रखे समझ लीजिए देखो बाद में घर में भी कर सकते हैं ऐसी भी बात नहीं है हाँ और ये सब अमेजोन पे मिल जाएगा योग बोल डालेंगे कुछ मेरे पास पड़े हैं
फिर पे तो जिसको जो है, तो इस तरह से लगाने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर ढकेलने का प्रयास करना है। हमारे दोनों हाथ को छाती के ऊपर लगाने हैं और पूरी तरह से हमारी चेस्ट है एक्सपांशन करनी है, चेस्ट एक्सपांशन करनी है। जैसे ही हमारी चेस्ट एक्सपांशन हो जाती है, ये जो हार्ट के जो नाड़िया है, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नाड़िया है, वो भी ट्विस्ट हो जाती है और उसके अंदर जो भी थोड़ा बल संचय होता है वो थोड़ा ब्रेक होता है और वो फ्लो होना शुरू होता है। तो ये क्रिया हमारा सबको कहना है कि ये जो क्रिया है हमें कम से कम दिन में 5 से 7 बार जो करता है, मुझे नहीं लगता है उसको कोई ब्लॉकेज की समस्या है। ये लोगों को सिखाकर मैं आप लोगों का नुकसान कर रहा हूँ जो भी है होगा आपस समझ कर नहीं प्रकृति श्वास जो स्पाइडर गेला दृष्टि मन पड़ती है अभी अंदर की श्वास क्या हो रही है मैं देख नहीं पाऊँ, तो प्लीज नहीं समझ में आया मुझे 2 बार पूछिए, उसमें कोई इशू नहीं है पर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने और मैं शुरू में कुछ डेमो के लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा, श्वास भरे, श्वास रोके, श्वास रोकने के बाद 3 बार आत्मकृपा 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 बोले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, पूरी श्वास खाली होने के बाद बाह्य कुंभक थोड़ा रोके और धन्यवाद परमात्मा बोले और वापस श्वास भरे करेंगे हम करेंगे साथ कोई भी आसन में बैठिए, श्वास अंदर ही रोके और 3 बार आत्मकृपा 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 बोले, धीरे धीरे श्वास छोड़े, पूरी श्वास छूटने के बाद श्वास को बाहर ही रोके, धन्यवाद परमात्मा बोले और वापस श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास रोके, आत्मकृपा 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 3 बार बोलने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़े, पूरी श्वास बाहर जाने के बाद श्वास बाहर ही रोके बाह्य कुंभक में और कहे धन्यवाद परमात्मा, ऐसा लगातार करते रहे तो आप व्रत भी रख के ये क्रिया करते रहे। चार अंकों में श्वास भरनी है, 2 अंकों में श्वास धन्यवाद परमात्मा बोलना है और दोबारा श्वास भरना है। Thank you.
दोनों हाथों को रब करना है और आंखों के ऊपर अपनी दोनों आंखों को एक जनरेट करनी है और ये दोनों आंखों के ऊपर गैप रखना है और इस तरह से आंखों पर रखना है कुछ लग रहा है सर। देखिए पर्पस यही है कि जो बंदर को है ना, कि बंदर शांत हो गया ना, उसको भगवान की तरफ रख देना, बस कुछ करना नहीं, उसको सुधारने के चक्कर में पड़ना ही नहीं, कभी कभी नहीं, वो खत्म कर देगा। आज मतलब ये मन के ऊपर हमारा इतना समय सीमा के पास कर रहे बोलने के लिए, अभी आपने जो टाइम दिया है वो भी लगभग खत्म होने को आया है मेरा। तो ये जो मन है, ये मन इतना दुष्ट है। संत महात्मा ये मन को क्या है, मन को कोई लेना देना नहीं अपने शरीर से, तुम कुछ भी करो, उसको इंद्रियों और मिलकर भोग करने का, उनको ऐश करना है, उनको तुम्हारे शरीर से कोई मतलब नहीं, उसके लिए वो अलग अलग चीजें खाने को मांगेगा, ये शराब, मतलब ये सब जो करते हैं ना, ये मन का खेल, और ये मन ही आपको प्रगति तरफ लेके जाता है और बर्बाद भी होता है। आज अध्यात्म में मैं बात करता हूँ, ये इतने बड़े बड़े संत है बुधाने के, आज जाने माने मयू महाराज नाम आपने सुना होगा, उसने आत्महत्या की, आत्महत्या कौन करा था, ये मन ही है। जब तक मन और ये मन ध्यान रखना, आज बोलना नहीं चाहिए वो संतों का नाम, आज जेल में वो भी मन के कारण, वो भी मन के कारण, तो ये मन को नियंत्रण करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना, तो तुम्हारे बस की ही बात नहीं है, किसी ब्रह्म या सद्गुरु की बस की बात नहीं है। ये जो मन है, ये स्त्री सर्वव्यापी परमात्मा अजर अजर अमर परमात्मा के सामने नहीं देखता। तो हमें करना क्या है, इस स्थिति में लाके उसको परमात्मा के सम्मुख, वो जल्दी सम्मुख होना, क्योंकि क्या होता है, उसने आपको गुलाम बना के रखा, वो आपको गुलामी से मुक्त नहीं करना चाहेगा, वो करेगा ही नहीं। कल की तारीख में ना ये क्रिया, मतलब मन कैसा है मेरे बारे में नफरत भर देगा, वो ज्यादा बात कुछ नहीं आता उसका, और कुछ काम का नहीं, मैंने करके देखा एक दिन ये प्राणा, वो मन का ये है, और हमको एक बलपूर्वक की चीज हम करते जाते हैं तो मन नियंत्रण में, मन नियंत्रण में सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा से ही आ सकता है और दूसरे के बस की बात। आप अपने ऋषि मुनि देखो, हजारों साल की तपस्या एक स्त्री के पीछे होने वाला हुआ है, मतलब मन नाटक तो करेगा वो शांत होने के बाद, तुम ऐसा मैंने आपको ध्यान भी कराया ना इधर, अब बोले कि यार बाप रे मानना पड़ेगा। अच्छा जैसा ही माजी सर अब नाम से बात नहीं कर रहा हूँ, जिस गए एक ने उनकी गाड़ी ठोक दी, फिर उनका सब खत्म, फिर वो वापस आए गिरी स्थिति में, क्योंकि ये उसकी स्थिति कुदरती नहीं है मन की, बस एक ही इलाज है उसको सर्वव्यापी परमात्मा के समूह का। अच्छा ये प्रयास नहीं था, इसमें कोई मैं आपको बताता नहीं, ध्यान करो, धारणा करो, जप करो, तप करो, राम राम करो, इतने सीढ़ियां चढ़ के जाओ, उतना वो कोई नहीं, परमात्मा प्रयास रहित है, गुण अपने में लाने का प्रयास करो। दत्त का अर्थ है दाता, जिसने सब कुछ देखे रखा है, सिर्फ हम ले नहीं पा रहे तो हमारी कमी है, क्योंकि हम समझ नहीं। अत्रेय ये हमारे तो तीन दोष है बात की, अत्रेय और अत्रेय उनके पिताजी का नाम दत्तात्रेय, और उसके बाद अनुसैया, ये शब्द को सैया मतलब गलत प्रवृत्ति, अनु मतलब उसके ऊपर नियंत्रण करने वाला, ये चारों का कॉम्बिनेशन मिलकर दत्त बना है। आपको दत्त की भक्ति करनी है तो दत्त के गुणों से, और जब हम जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो गुण अपने में आने शुरू होते हैं, तो अमर शांत कौन है, तो सर्वोत्तम। ये अभी थोड़ा समय सीमा बहुत ही कम है और आपका विषय तो बहुत बड़े होते हैं, मगर समय सीमा के कारण में मेरी मर्यादा है, आपको ज़्यादा नहीं दे सकता, और कभी भी आप लोगों को मैं निःशुल्क प्रकृति और परमात्मा से रहूँ, आप कभी भी बोलिए प्रकृति के ऊपर, मतलब मेरे क्षेत्र में आप बोलेंगे भैया ये दवा का क्या है, वो कुछ नहीं आता है, मैं आना भी जाती हूँ, मगर
प्रकृति परमात्मिक सत्य और थोड़ा योग शास्त्र, इसके मामले में आपको जो भी मदद जब भी लगती है आप मुझे बुला सकते हैं, 8-10 लोग आ सकते हैं मेरे यहाँ। मेरी मैं एक्चुअली एक लोकल हूँ परमात्मा और प्रकृति का, यहाँ मैं सुबह 7:30 से 8 के दरमियान आता हूँ। अच्छा मेरा नाम नहीं, कोई आए नहीं आए, मेरे को कोई लेने देना, आप आते हैं तो मैं सिखाता हूँ, नहीं आते तो नहीं सिखाता। मुझे जो परमात्मा भेजता है उनको ही हम, तो ये योग है आज सब जो एकत्रित हम आए हैं। योग का जो अर्थ है, योग का अर्थ है जुड़ना, आज जो हम सब जुड़े हैं ये भी योग, अखंड जीवन ही योग है और जीवन को योगमय बनाता है। तो ये कड़ी से कड़ी शरीर को मन से जोड़ना, मन से आत्मा को जोड़ना, मन से आत्मा को जोड़ना नहीं होता है, मन को मिटना ही होता है। देखिए जैसी एक आग होती है आपके सामने, जैसा कागज जाता है, कागज नष्ट हो जाता है वही आग बन जाता है, वैसा ही हमें बूंद मिटे सागर होना। जब तुम परमात्मा के सम्मुख होते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मिटने लगता है, धीरे धीरे मन मिटने लगता है, और जिस दिन मन मिटा तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, हम आत्मा संचलित हो जाते हैं। अभी हमारा जीवन मन संचलित है, जो मन बोल रहा है वही कर रहे हैं। अभी आपने 40 लोगों को इन्विटेशन दिया, उसके बाद जाने दिया, आज बारिश गिर रही है, वो उसके मन ने उसको समझाया, वो नहीं आने दिया, क्योंकि आज उसका योग नहीं था सब कुछ जाने। और जीवन में बिना योग कुछ नहीं होता योग दिनानिमित्त श्री दत्त मंदिर अठाळी येथे योग गुरु रमाकांतजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण KSDF चे सर्व सहकारी योग शिकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष क्रिया करण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आपल्याला आज त्यांचं मार्गदर्शन मिळालं आहे, अशा रमाकांत गुरुजींचा आपण पुन्हा पुन्हा आभार मानू आणि अपेक्षा करू की आपण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या सदस्यांसाठी काही विशेष वर्गांचं आयोजन जर आपल्याला करता आलं तर आपण त्याची एक संरचना करू। ह्या मंदिर देवस्थानाने आपल्याला ही जी जागा उपलब्ध करून दिली त्याच्यासाठी मंदिर देवस्थानांचं सुद्धा आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करू।